सच दिखता है। तहलका टीवी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं वसीम अकरम शेख। हिजाब उतारो, कर्नाटक में स्कूल पहुंचने के बाद छात्र से गेट पर उतरवाया गया हिजाब। समाचार एजेंसी AANI द्वारा शेयर किए गए वीडियो। कर्नाटक के मांड्या जिले के एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल की छात्रों को सोमवार को स्कूल परिसर में प्रवेश करने से पहले अपना हिजाब हटाने को कहा गया। दरअसल पिछले सप्ताह हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा था कि शैक्षणिक संस्थापक फिर से खुल सकते हैं, लेकिन धर्म से जुड़े परिजनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। समाचार एजेंसी ANI द्वारा शेयर किए गए वीडियो, महिला संभवत शिक्षक स्कूल के गेट पर हिजाब पहने वाले छात्रों को रोकती है और उसे हटाओ हटाओ का आदेश देती है। वीडियो में कुछ माता पिता बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटियों को स्कूल में प्रवेश करने से रोक दिया गया। गर्मा गर्म बहस के बाद लड़कियों ने हिजाब को हटा दिया और स्कूल के परिसर में प्रवेश किया। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स जो कि छात्रों के पिता लग रहे थे, कुछ देर तक बाहर रहे और उन्होंने महिला से बातचीत की और उसके बाद अपनी बच्चियों को हिजाब हटाकर स्कूल जाने की इजाजत दे दी। उड़पी के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 9 की एक छात्र ने NDTV को बताया कि उसे और उसकी सहपाठी को कक्षा में भाग लेने के लिए अपने हिजाब को हटाना पड़ा था। बता दें कि हिजाब विवाद के बाद बंद हुए 10वीं कक्षा तक के स्कूल आज फिर खुल गए। 11वीं और 12वीं के स्कूल बुधवार तक बंद है। हिजाब मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। ताजा ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।